गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम निपल पारी, फॉर्मर रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज हम 10th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर हमारा जो चैप्टर है सेकंड गदखंड का, और वैसे 11th लेसन है ये वाला, आपने जिसके लेखक है प्रेमचंद और लेसन का नाम है ईदगाह। वो थोड़ा बहुत हमारे कंप्लीट हो चुका था। प्रेमचंद का जीवन परिचय हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद में लेसन भी हमारा स्टार्ट हो चुका था। उस लेसन में हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था कि थोड़ा सा सारांश आपको बता देती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि अभी तक हमने क्या पढ़ा था। बेटा अपन ने पढ़ा था कि जो ईद का दिन था और गांव के अंदर है बहुत अधिक हलचल थी, सभी बच्चे जो है बड़े उत्साहित और खुश हो रहे थे कि उनको कहाँ जाना है, ईदगाह जाना है। जल्दी जल्दी से लोग जो है अपने नित्य कार्यों से फ्री होकर ईदगाह जाने की तैयारी में थे। वहीं पर उसी गांव के अंदर एक छोटा सा परिवार है जिसके अंदर उसकी एक लड़का है जिसका नाम क्या है हामिद, और उसकी दादी जिसका नाम है अमीना। वह एक छोटे से कच्चे घर के अंदर रहते हैं। जो हामिद है, हामिद के जो माता पिता है वह क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। जो कि बच्चा जो है वह 4-5 साल का है, जिसके कारण से जो उसकी दादी है अमीना वही उसका लालन पालन करती है। और उसने बच्चे को क्या समझा रखा है कि उसके जो माता पिता है वह क्या है, जो पिता है वह तो क्या है, कमाने के लिए गए हुए हैं, और जो उसकी माँ है वह अल्लाह के घर गई हुई है। जब वो आएंगे तो बहुत सारे खिलौने मिठाइयाँ इत्यादि लेकर आएंगे। तो 4-5 साल का बच्चा है जो कि इस बात से अनजान है कि उसके माता पिता इस संसार में नहीं रहे। उसके बाद में ईदगाह जाने की तैयारी होती है। अब जो अमीना है वह बहुत गरीब है और लोगों की कपड़े सिलकर अपना जीवन यापन करती है। आज जो ईद का त्यौहार है, उस ईद के त्यौहार के लिए उसके पास में बहुत कम पैसे हैं। अब उसको यही चिंता है कि वह इन पैसों से कैसे ईद का त्यौहार बनाए, क्योंकि उसको सिवैयाँ भी बनानी है, साथ ही साथ उसको जो हामिद है वह जिद कर रहा है ईदगाह जाने की, मेले में जाने की, तो उसको कुछ पैसे भी देने हैं जिससे कि वह उस मेले में जाके और भी कुछ नहीं तो खा पी तो सके। तो उसको ये टेंशन हो रही है। तो इतना अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद में वह अपनी माँ को, अपनी दादी को समझाता है कि माँ दादी तुम बिल्कुल भी, अम्मी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, सबसे पहले मैं आऊँगा। तो उसके बाद में जो ईदगाह जाने के लिए लोग क्या करते हैं, रवाना होते हैं। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके बाद में लोग मेले में जाने के लिए, ईदगाह जाने के लिए तैयार हो गए और स्टार्ट रवानगी ली। और क्या हुआ, हामिद जो था, हामिद भी जो अपने फ्रेंड थे, अपने मित्र थे, उन मित्रों के साथ में वह भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। अब क्या करते, कभी तो सब दौड़कर भाग कर जाते और भाग कर जाके आगे जाके खड़े हो जाते, और फिर जो उनके साथी थे उन साथी का आने का इंतज़ार करते कि वो आए तो हम आगे की तरफ चलें। वे लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं, हामिद के पैरों में तो जैसे पड़ लग गए हो। अब जो हामिद है, हामिद को क्या लग रहा था, तो बच्चे होते हैं ना, बच्चे बड़े चंचल होते हैं, उन बच्चों को लगता है जल्दी जल्दी हम उस स्थान पर, उस जगह पहुँचें, मेले में पहुँचें, मस्ती करें, खेलें, कूदें, खाएं, पिएं, है ना। तो इसी तरह से उसके हामिद की भी बहुत इच्छा हो रही थी। हामिद को ऐसा गुस्सा आ रहा था कि क्यों ये लोग इतने धीरे धीरे चल रहे हैं, जल्दी जल्दी क्यों नहीं चलते, जल्दी जल्दी मेले में क्यों नहीं पहुँचते। वह कभी थक सकता था, वह भी तो बच्चा था कि वह थक सकता था, लेकिन वो थकता नहीं था, क्योंकि उसके तो ऐसा लग रहा था उसके क्या हो गए हो, पढ़ लग गए हो। शहर का दामन आ गया, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे थे। उसके बाद में जब गांव से बाहर निकले तो क्या आ गया था, शहर का रास्ता आ गया था। वहां पर दोनों तरफ क्या थे, जो बगीचे, दोनों मकान, वो जो सड़क थे, सड़क के किनारों पर दोनों जो अच्छे परिवार थे, पैसे वाले परिवार थे, अमीर परिवार थे, उनके क्या लगे हुए थे, बगीचे लगे हुए थे। पक्की जो है चार दीवारी बनी हुई थी, चार दीवारी यानी कि दीवार चारों तरफ से मजबूत दीवार बनी हुई थी। पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई थी। अब जो पेड़ थे, मैंने बताया ना उनके घर के बाहर बाग लगे हुए थे, उनमें पेड़ थे, पेड़ों के अंदर क्या लगे हुए थे, आम और लीचियाँ लगी हुई थी। कभी कभी कोई लड़का ककड़ी उठाकर आम पर निशाना मारता, छोटा सा ही पत्थर उठाता और आम पर निशाना मारता। माली अंदर से गालियां काटता हुआ निकलता, लड़के वहां से फ्लांग बगाकर भाग जाते और सब खूब
हंसते और बोलते माली को हमने क्या बना दिया, उल्लू बना दिया। बेटा ये खेल कभी ना कभी आपने भी किया होगा, जब आप किसी गांव में गए हों तो गांव में भी हम जाते हैं पेड़ से जो फल है उन तो वो तोड़ते हैं की कोशिश करते हैं, पत्थर मारते हैं, और जब उसका मालिक बाहर आता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसा करते हो ना आप लोग कभी ना कभी, जब कभी अपनी नानी के या कभी किसी भी गांव में आप गए हो, और जब वो ऐसा ही जो बच्चे हैं गांव के बच्चे जब शहर में आए तो उन्होंने भी ऐसा ही किया कि एक छोटा सा पत्थर मार के वो फेंकते, और जैसे ही माली जो उसका माली था बगीचों की रक्षा करने वाला वह बाहर आता तो वह क्या करते वहाँ से भाग जाते, फिर कहते माली को हमने क्या बना दिया, उल्लू बना दिया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, शहर आ गया था तो बड़ी बड़ी जो इमारतें आने के बड़े बड़े मकान आने लगे। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने बड़े लड़के और कितने लड़के पढ़ते होंगे, सब लड़के हैं जी बड़े बड़े आदमी हैं सच। अब क्या है, जो बच्चे हैं वह आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, क्या क्या बातें कर रहे हैं कि जो इमारतें आई ना उस इमारतों में क्या है, कोई तो अदालत है, कोई कॉलेज है, कोई क्लब बने हुए हैं। अब जो कॉलेज आए ना तो कॉलेज के लिए जो छोटे छोटे बच्चे थे ना वो आमिर और उसके फ्रेंड्स वो बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं देखो कि इस कॉलेज के अंदर है ना बड़े बड़े लड़के पढ़ते हैं, और इतने बड़े बड़े लड़के पढ़ते हैं जिनकी दाढ़ी मूछें हैं, देखो कैसे हैं, बड़े बड़े आदमी हैं सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं अभी तक पढ़ने जाते हैं। कि वो ताजुब होता है कि कॉलेज है, कॉलेज में इतने बड़े बड़े हैं जिनकी दाढ़ी मूछें आ गई, उसके बावजूद भी वो कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे तो गांव में ऐसा नहीं होता, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़ के। अब उनको लग रहा है कि जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं दाढ़ी मूछें वाले, कितना पढ़ेंगे और इतना पढ़कर करेंगे क्या, क्या करने वाले हैं इतना पढ़ रहे हैं वो। हामिद के मदरसे में तो दो तीन बड़े बड़े लड़के हैं, आप जहाँ पर वो पढ़ने जाते हैं वो बता रहे हैं। हामिद जो है वह बोल रहा है कि हम जो उसके मदरसे में जब वो पढ़ने के लिए जाता है, जिस विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है, तो उसके लिए बोल रहा है उसमें तो क्या है दो तीन बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल तीन कोड़ी हैं, बाकी और तो सारे बच्चे क्या है छोटे छोटे हैं, लेकिन दो तीन लड़के क्या है बड़े बड़े हैं, वो भी क्या है बेकार है, तीन कोड़ी के बच्चे हैं, यानी कुछ भी उनको आता जाता नहीं है, बिल्कुल बेबुद्धि बच्चे हैं, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराते हैं, उस जगह पर उसी तरह के लोग होंगे क्या। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई हमारे जो मदरसा है जिसमें जब विद्यालय में हम पढ़ने जाते हैं उस विद्यालय के अंदर क्या है दो तीन लड़के ऐसे हैं जो कि बड़े बड़े हैं, जिनको कितना ही पढ़ाओ कितना ही समझाओ वो समझते ही नहीं है, तो इस कॉलेज में तो सारे लड़के बड़े बड़े हैं, सबकी दाढ़ी मूछें आ रही हैं, तो सारे ऐसे ही हैं क्या जैसे हमारे स्कूल में हैं, हमारे मदरसे में जैसे बच्चे हैं वैसे बच्चे ही यहाँ पर हैं क्या, वो तीन चार जो लड़के वो पढ़ते नहीं हैं उनको रोज़ अपने टीचर से डांट खाते हैं पिटाई खाते हैं फिर भी उनको कुछ नहीं आता, तो यहाँ पर भी सारे बच्चे उन्हीं बच्चों के समान हैं क्या। अब आके देखिए क्लब घर में जादू होता है, अब ये तो कॉलेज की बात उन्होंने कर दी, उसके बाद में क्लब घर के बारे में बात कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या होता है जादू होता है। सुना है यहाँ मुर्दे की जो खोपड़ियाँ हैं दौड़ती हैं, अब बच्चे हैं बेटा वो कुछ भी विचार कर सकते हैं, कोई भी कल्पनाएँ करते हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग बाग मर जाते हैं ना मुर्दे पड़े रहते हैं उनकी खोपड़ियाँ क्या आती है इधर से उधर भागती है, और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, और इस क्लब में क्या होते हैं बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर जाने नहीं देते यहाँ पर, लेकिन अंदर किसी को भी एंट्री नहीं है, किसी को भी अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं पैसे वाले जो लोग होते हैं वो शाम को आते हैं और यहाँ पर खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं मूछे दाढ़ी वाले, कि बड़े बड़े ऐसे बड़े बड़े आदमी हैं जो ये क्या है मूछें आ रही है दाढ़ी आ रही है, ऐसे ऐसे व्यक्ति जो है ऐसे ऐसे आदमी जो है यहाँ पर खेलने के लिए इस क्लब में आते हैं। और मेमे भी खेलती है, मेमे यानी कि शहरी स्त्रियों के बारे में आप बताया गया है कि वो शहरी जो स्त्रियाँ हैं वह भी यहाँ पर आके क्या करती है खेल खेला करती है। सच हमारी अम्मा को तो सॉरी हमारी अम्मी को तो वह दे दो क्या है वह बैट, और उसे पकड़ ही नहीं सकती घुमाते ही लुढ़क जाएगी। अब जो बच्चा है वह अपनी मम्मी के बारे में बोल रहा है कि भाई यहाँ की जो मेमे हैं अर्थात शहरी जो स्त्रियाँ हैं वह यहाँ पे खेलने के लिए आती है, लेकिन हमारी जो अम्मी है अगर उसको बैट थमा दो तो क्या हो जाएगी, खेलना तो दूर की बात नहीं पर उस बैट को भली प्रकार से पकड़ भी नहीं पाएगी और क्या हो जाएगी गुड़क जाएगी लुढ़क जाएगी। महमूद ने कहा
हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगेगा, अल्लाह कसम। अब उसने क्या कहा कि भाई अल्लाह कसम, अगर मेरी अम्मी को अगर बैठ थमा दिया तो उसके तो हाथ ही क्या है कांपने लग जाएंगे। मोहसिन बोला। अब दूसरा एक बच्चा हो रहा है जिसका नाम मोहसिन है, वो क्या बोला, देखो अम्मी मानो मनो आटा पीस डालती है, जरा सा बैट पकड़ा दो तो हाथ कांपने लगेंगे। अपनी अम्मी के बारे में बता रहा है कि मेरी जो अम्मी है वह उसको आटा पीसने के लिए दे दो चक्की के अंदर, तो मनो आटा पीस देती है, बहुत सारा आटा पीस देती है, लेकिन अगर बैट उसको पकड़ा दिया तो उसके हाथ भी क्या हो जाएंगे, कांपने लग जाएंगे। सैकड़ों घड़े रोज पानी निकालती है कि रोज पानी लेकर आती है, कुएं में से पानी भरती है निकालती है, 5 घड़े तो मेरी भैंसी पी जाती है। अब इतने पानी भरती है वो कि 5 मटके जो है वह जो उसकी मौसिन की जो भैंस है वही पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा हो जाएगा। अब उसने क्या कहा कि जो यहाँ की जो शहरी जो स्त्री है, जो मेम है, स्त्री शहरी मेम है, अगर उसको पानी भरने के लिए दे दिया जाए तो क्या होगा, वह तो क्या हो जाएगी, भर ही नहीं पाएगी, क्योंकि क्योंकि शहरी स्त्री क्या है, नाजुक होती है, तो वो ऐसा कार्य कर ही नहीं पाएगी और उसकी हालत क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, यानी कि उसके आंखों तले क्या हो जाएगा, अंधकार था जाएगा कि वह ऐसा कार्य कर ही नहीं सकती, ये कार्य तो सिर्फ मेरी अम्मी है वो ही कर सकती है। अब उसके बाद में महबूब बोलता है लेकिन दौड़ती नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। अब उसके बाद में बोल रहे हैं कि जो उसके बारे में बताया गया, महमूद कह रहा है लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। अब उसके बाद में उसकी माँ के बारे में बोलता गया तो उसने क्या जवाब दिया मौसी ने, देखो हाँ उछल कूद नहीं कर सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी ना और चौधरी के घर में जा पड़ी थी तो अम्मा इतना तेज दौड़ी कि मैं उन्हें पा ही नहीं सका सच। अब उसके बाद में बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी जो अम्मी है वह दौड़ तो नहीं सकती ना, तो इस तरह से जो स्त्री जो शहरी मेम है वो जिस प्रकार से खेल खेलती है उस तरह से वो नहीं कर सकती ना। तो उसने क्या कहा कि ऐसी बात नहीं है, उछल कूद तो नहीं कर सकती मेरी अम्मी, लेकिन दौड़ने में बड़ी अव्वल है कि एक बार हमारे घर की जो गाय है वह क्या हो गई है, छूट के चौधरी के जो एक खेत था उस खेत के अंदर वो चली गई थी, तो हमारी जो अम्मी है वह इतनी तेज़ दौड़ के उसने उस गाय को क्या कर लिया, पकड़ लिया, और मैं तो उनको पकड़ ही नहीं पाया, यानी कि इतनी तेज़ मेरी अम्मी दौड़ी। अब ये तो उन्होंने वार्तालाप उनके कंप्लीट हो गई। उसके बाद में क्या होता है, वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं ये शहरी जो छवि है, शहरी जो वातावरण है वह समाप्त होता है। आगे क्या आती है, देखो हलवाइयों की दुकानें आई है, उसके बाद में आगे चलें, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी क्योंकि मेला था ना तो सजी हुई थी, इतनी मिठाइयाँ कौन खाता होगा, अब इतनी सारी दुकानों ने देखा भाई गांव के अंदर तो एक आध तो आपके दुकान होती है, बहुत कम मिठाइयाँ होती हैं, लेकिन शहर के अंदर तो क्या है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, इतनी सारी दुकानें लगी हुई है, सजी हुई है, इतनी सारी मिठाइयाँ हैं, उनको ताज्जुब हो रहा है कि भाई इतनी सारी जो मिठाइयाँ हैं वे कौन खाता होगा। उसके बाद में क्या बोलते हैं, अब कौन खाता होगा, देखिए वो पूछ रहा है, देखो ना एक एक दुकानों पर मनो मिठाइयाँ हैं, सुना है रात को जिन्नात आकर इसका खरीद कर ले जाते हैं। बातचीत कर रहे हैं कि रात को सुना है कि यहाँ पर क्योंकि इतने सारे तो लोग बाग मिठाई नहीं खा सकते, व्यक्ति तो इतनी मिठाई नहीं खा सकते, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर जिन्नात आते हैं, वो क्या करते हैं, रात्रि को आते हैं और मिठाइयों को खरीद कर ले जाते हैं। अब्बा कहते हैं कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा हो वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल सचमुच के रुपए देता है। अब उसके अंदर वो क्या बोल रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं बच्चे कि यहाँ पर जो इतनी मिठाइयाँ हैं, तो मेरे अब्बा ने कहा है, एक बच्चा बोल रहा है छोटा सा कि मेरे अब्बा ने कहा है कि यहाँ पर जितनी भी मिठाइयाँ बच जाती ना तो रात को जिन्नात आता है और इन मिठाइयों को क्या करता है, खरीद कर तुलवा कर ले जाता है, और जितने भी उस मिठाइयों के पैसे होते हैं ना, ऐसे नहीं ऐसे ले गया, वह जितने भी उस मिठाइयों के पैसे होते हैं उस दुकानदार को देकर वहाँ से चला जाता है। हामिद जो था उसको यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसने कहा कि ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिले होंगे। अब उन्होंने कहा कि भाई जो इतने रुपए हैं वे रुपए जिन्नात के पास में कहाँ से आए, जिन्नात के पास में तो रुपए कहाँ से कैसे ला सकता है वो। तो उसने क्या कहा, मौसिन ने कहा जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिन है तो जिन को रुपए की क्या कमी है, उसको रुपए की कमी हो ही नहीं सकती, जिस खजाने में चाहे चला जाए, लोहे के दरवाजे तक उसे नहीं रोक सकते जनाब। अब उसने क्या कहा कि जिन है वो तो कहीं पे भी जा सकता है, किसी भी खजाने में घुस सकता है, उसको कोई देखेगा थोड़ी, तो वह तो कहीं पे भी जा सकता है।
लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। बोले कि आ तुम क्या बात कर रहे हो कि लोहे के जो दरवाजे हैं वह तो उन्हें नहीं रोक सकते। जनाब आप कौन से फेरे में हो, कौन सी बात सोच रहे हो। जिन तो ऐसे अव्वल होते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं, वो ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, कहीं पर भी अचानक से पहुँच सकते हैं। हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो जाए उसे टोकरों जवाहरात दे देते हैं। अभी यहीं बैठे हैं और 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाए। अब वो जिन्नात के बारे में, जिनके बारे में बातें कर रहे हैं कि जिन ऐसे होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनकी इच्छा हो जहां पर वो पहुंच सकते हैं। हीरे जवाहरात जो है आराम से वो खान में जाके और लोगों के पास में जाके वह हीरे जवाहरात लेके आ सकते हैं। जहाँ इच्छा हो, जहाँ मर्जी हो, कहीं पर भी वो पहुँच जाते हैं। अभी यहाँ पर बैठे हैं, मन करा उनका कलकत्ता जाने का तो वह कलकत्ता भी चले जाएंगे, क्योंकि जिन हैं वो तो कहीं पर भी जा सकते हैं, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। अब हामिद ने फिर ताजुब हुआ, हामिद ने पूछा जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे ना। तो मौसी ने कहा एक एक आसमान के बराबर होता है। हाँ देखिए उनकी कल्पनाएँ देखिए कि जिन जो होता है कितना बड़ा होता है, आसमान के बराबर होता है। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान पर जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। कितना बड़ा होता है कि वह आसमान तक पहुंच जाए, और अगर उनका मन नहीं है बड़ा होने का तो वह छोटा सा बनकर भी लोटे के अंदर भी समा सकता है, क्योंकि वो तो जिन है, कुछ भी कर सकता है, कोई भी जादू कर सकता है ना। तो हामिद बोलता है फिर लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे भी बंतर बता दे तो एक जिन मैं भी खरीद लूँ। अब उसको क्या लगा कि भाई लोग कैसे जिनों को खुश करते होंगे, कैसे जिन इनके पास में आ जाते होंगे और इनकी इच्छाएं पूरी करते होंगे। तो काश मेरे को भी कोई ऐसी तरकीब आ जाए, कोई ऐसा मेरे को चीज़ मिल जाए जिसके कारण से मैं भी क्या करूँ, एक जिन को खुश कर लूँ और मेरी सारी इच्छाएँ वह जिन क्या कर दे, पूरी कर दें। आप उसके बाद में आगे वर्णन करते हैं। मोहसिन कहता है इसको प्रत्युत्तर देता हुआ, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत सारे जन्नात हैं। अब चौधरी जो उनके गांव के अंदर बताया था ना, जैसे लोबा कर्जा लेके आते थे, बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, कि उसके पास में बहुत सारे जन्नात हैं। अब कैसे है जन्नात, कैसे जिन्न है उसके पास में, क्या कल्पना कर रहे हैं देखो। वो कोई चीज़ चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा लेंगे और चोर का नाम बता देंगे। कि जो कोई भी व्यक्ति की घर में अगर चोरी हो जाए तो चौधरी साहब उस व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं किस व्यक्ति ने क्या की है, चोरी की है। जुमराती का बछुआ उस दिन कहीं खो गया था, 3 दिन हैरान हुए कहीं ना मिला, तब झक मारकर चौधरी के पास पहुँचे। चौधरी ने तुरंत बता दिया मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उसे सारे जहान की खबरें दे देते हैं। अब उसके बाद में क्या बताया गया है इसके अंदर कि जो जिन्नात है वह जिन्नात जो है चौधरी के साहब के पास में है, और वो क्या करता है कि चोर का पता लगा सकता है। अब उसके लिए उसने एग्जांपल भी दिया है कि जुन्माती एक व्यक्ति का नाम है जिसका क्या हो गया था, बछड़ा हो गया था, उसने सब जगह देखा लेकिन वह नहीं मिला। तो चौधरी साहब ने क्या बताया कि वह कहाँ है, मवेशी खाने में है, और जाकर जब देखा गया तो वह वहीं पर मिला। यानी कि जिन्नात जो है वह चौधरी साहब को सारी खबरें दे देता है। अब उसकी समझ में आ गया था कि चौधरी के पास में क्यों इतना धन है, क्यों इतना सम्मान है। अब जो लोग हैं, हामिद है इत्यादि लोगों को सबको पता चल गया था कि जो अब पता चल गया कि भाई चौधरी के पास में इतना जो धन है, इतना जो पैसा है, वह कहाँ से आया है। जो जिन्नात को उन्होंने रख रखा है, जिन उनके पास में है, जिसके कारण से कि उनको क्या है, धन दौलत ऐश्वर्य आराम की कोई भी कमी नहीं है। बेटा एक कल्पनाएँ कर रहे हैं, बच्चों की कल्पनाएँ हैं, और बच्चों की जो कल्पनाएँ हैं वो तो आसमान को भी पार कर दे, ईश्वर को भी धरती पर ला दे। तो इस तरह से वो कल्पनाएं कर रही हैं। तो अब उनको समझ में आ गया था कि ऐसा ही कुछ हो रहा है। आगे चलें, अब वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर उनको दिखाई देती है पुलिस लाइन। अब इस पुलिस लाइन के बारे में बेटा हम कल जानकारी लेंगे, आज हमें जिन के बारे में पढ़ा और हलवाइयों की मिठाइयों दुकानों इत्यादि के बारे में पढ़ा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे वाला जो चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे। आपको क्या करना है, इस लेसन के जो शब्दार्थ हैं बीच में उनको कंप्लीट करना है। जीवन परिचय आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही, गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।